नोटबंदी 2.0 बैंकों में 2000 के कितने नोट बदलवा सकते हैं, 30 सितंबर के बाद क्या करेंगे लोग, जानिए पूरी जानकारी इस वीडियो। इससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए के नोट को चलन से बाहर करने की 19 मई 2023 को घोषणा की। हालांकि इस मूल्य के नोट बैंकों में जाकर 30 सितंबर 2023 तक जमा या बदले जा सकेंगे। RBI ने 19 मई 2023 को जारी एक बयान में कहा कि अभी चलन में मौजूद 2000 रुपए के नोट 30 सितंबर तक वैध मुद्रा बने रहेंगे। इसके साथ ही RBI ने बैंकों से 2000 रुपए का नोट देने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने की कहा। उसने बैंकों से 30 सितंबर तक ये नोट जमा करने एवं बदलने की सुविधा देने को कहा है। बैंकों में जाकर 23 मई 2023 से 2000 रुपए के नोट बदले या जमा किए जा सकेंगे। हालांकि एक बार में सिर्फ 20,000 रुपए के नोट ही बदले जाएंगे। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, RBI ने यह साफ नहीं किया है कि कोई व्यक्ति अधिकतम कितने मूल्य के 2000 रुपए के नोट बैंकों में जमा करा सकता है, लेकिन उसने एक बार में अधिकतम 10 नोट की बदलने जाने की बात कही है। RBI का यह कदम नवंबर 2016 के उस अप्रत्याशित ऐलान से थोड़ा अलग है, जिसमें घोषणा की आधी रात से ही 500 रुपया एवं 1000 रुपये के तत्काल नोट को चलन से बाहर कर दिया गया था। उसी समय RBI ने 2000 रुपये के नोट जारी किए थे। 30 सितंबर के बाद क्या करेंगे लोग? हालांकि केंद्रीय बैंक ने यह नहीं बताया है कि 30 सितंबर की समसमाई खत्म होने के बाद लोगों के पास बचे गए 2000 रुपये के नोट की क्या स्थिति होगी। सूत्रों के मुताबिक समय सीमा खत्म होने के बाद भी अगर लोगों के पास ये नोट मौजूद रहते हैं तो उन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और इसके बारे में आपका क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा।